वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज अभी हम लोग फिर से एक बार यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट भी चेक करेंगे। तो रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक की बात की जाए तो सभी जन जाते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन में ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। क्यों किया है उसकी वजह भी हमने पहले भी बताई गई थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखा जाए लास्ट मंथ में ट्रेडिंग चालू हो चुकी थी, पर यहाँ पे फिर से ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। कि किसने किया है? IBC। वो IBC क्या होता है? इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोर्ट जो होता है उनके तरफ से यहाँ पे आप देख सकते कि ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। क्योंकि जो यहाँ पे आप देख सकते कि आरकॉम ने जो यहाँ पे आप देख सकते कि कर्जा लिया था, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते कितना कर्जा लिया था वो आरकॉम ने, हमने पहले भी देखा था। और कर्जा अभी रिसेंटली देखा जाए तो जिन्होंने क्रेडिटर जो होते जो जिन्होंने कर्जा दिया था वो क्रेडिटर्स होते उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते कि रिसेंटली जो कर्जा दिया था वो आरकॉम फिर से देने के लिए यहाँ पे नहीं दे रहा है कर्जा, क्योंकि उनके तरफ से यहाँ पे कर्जा फिर से नहीं दिया जा रहा है। इसके वजह से यहाँ पे आप देख सकते कि जो क्रेडिटर्स होते ये जो क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसा दिया था जो आरकॉम के जो एसेट्स होते उसके ऊपर यहाँ पे कब्जा करने के देखते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते एसेट के ऊपर यहाँ पे लेने के देखते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते कि IBC जो होते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोर्ट वो इसमें काम करती है। और IBC काम करती है जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि कोई यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन के जो एसेट्स होते हैं वो बेच के प्रमोटर होल्डिंग बेच के यहाँ पे कोई तो सोल्यूशन निकल के जो है वो क्रेडिटर्स को पैसा मिलता है कुछ सोल्यूशन दे के, और फिर यहाँ पे आप देख सकते कि जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो फिर से ट्रेडिंग को चालू किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो रिसेंटली ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट है। कितने दिन का टाइम रहता है तकरीबन ए प्रॉब्लम का? 90 डेज टू 180 डेज तक का प्रॉब्लम रहता है। तकरीबन देखा जाए तो दो तीन महीने के ऊपर टाइम चला गया होगा। तो रिसेंटली देख सकते कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो फिर से ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। तो रिसेंटली देखा जाए थोड़े दिन के लिए यहाँ पे देखा जाए तो किसी को अपनी प्रॉब्लम जो है मीन्स यहाँ पे अपनी जो पोजिशन फंसी हुई रिलायंस कम्युनिकेशन को आपके क्लियर करने को नहीं मिलेगी। तो सिर्फ मंडे के दिन यहाँ पे ट्रेडिंग चालू होती है और उसमें यहाँ पे आप देख सकते लोअर सर्किट लगता है स्टॉक के लिए, किसी को अपनी पोजीशन क्लियर करने का चांसेस नहीं मिलता है। ज़्यादा करके फंसे हुए रहते हैं रिटेल ट्रेडर्स मीन्स यहाँ पे देख सकते अभी स्टेज 1 पे तकरीबन यहाँ पे स्टॉक। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के लिए।